अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन के मोमोज। अब हम इसको बनाने का तरीका देखेंगे। यह हमने आधा किलो के करीब मैदे का आटा लिया है। अब इसमें हम एक चम्मच भर के नमक ऐड करेंगे। देखिए, एक चम्मच भर के, यह आधा किलो के करीब हमने मैदे का आटा लिया है। अब इसमें एक चम्मच भर के हम नमक ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छे से, एक गिलास में पानी लेके अच्छे से हम इसको गूंद के लेंगे। हमें इसका ज़्यादा पतला डो नहीं बन, ज़्यादा नरम डो नहीं बनाना है। इसका थोड़ा सा घट डो बना के रखना है, थोड़ा सा ही टाइट बनाना है, ज़्यादा ये लूज़ नहीं बनाना है। देखिए, इस तरीके से हम आटे को अच्छे से गूंद के लेंगे। देखिए, अच्छा पानी डाल के हम इसको अच्छे से गूंदेंगे। ये हमारा आटा पूरा अच्छा गूंद के रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम आटे को अच्छे से हाथों से अच्छे से गूंद के लेंगे। उसके बाद पूरा इसका अच्छा, एक अच्छा सा डो बना के हम लेंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए हम साइड में रखेंगे। ये देखिए, अब हम भगोने में 1 गिलास 1.5 गिलास के करीब हमने पानी लिया है। हम पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर उसके बाद हम 8 6 से 7 हमारे कश्मीरी मिर्ची है, हम इसको पानी में ऐड करेंगे। ये देखिए, हमें गरम, हमारा पानी गरम हो रहा है। अब इसमें हम कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। अच्छा, पानी को अच्छे से हम गरम होने देंगे, फिर इसमें ये मिर्ची ऐड करेंगे। हाँ, ये देखिए, हमने इसको मिर्ची ऐड किया है। अब थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे। अच्छा, हमारी मिर्ची थोड़ा नरम हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। ये अच्छे से हमारी मिर्ची नरम हो रही है, अंदर के बीन्स भी निकल रहे हैं, और अच्छे से इसको हम और थोड़ा पकाएंगे। इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें 7 से 8 टमाटर को ऐड करेंगे। हमारे छोटे छोटे टमाटर हैं, इसलिए हम इसको 6 7 7 6 7 टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसको भी अच्छे से पकने देंगे, ताकि हमें इसका छिलका निकालना है। हम इसको अच्छे से पकाए, नरम होने तक पका के हमने इसको लिया है। देखिए, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। पूरे के पूरे टमाटर हम इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अब इसका छिलका भी इजीली निकल जाता है। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको छिलका निकाल के लेंगे। हाँ, ये देखिए, हमारे टमाटर और मिर्ची थोड़ी सी ठंडी हो रही है। अब इसका छिलका हम इस तरीके से, छिलका पूरा हम इसका निकाल के लेंगे। ये देखिए, हमने पूरा टमाटर का छिलका निकाल के लिया है, और सामने से भी हम इसको काट के लिए हैं। और अब इसमें थोड़े से हम अदरक लहसुन डाल के, लहसुन की कली डाल के हम इसका एक पेस्ट बना के लेंगे। मिक्सी में डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बना के लेंगे। देखिए, ये हमारा टमाटर, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको बघार के लेंगे। ये देखिए, कितना प्यारा कलर आया है, कितना अच्छा रेड कलर का बन गया है। अब जिसमें हमने एक भगोने में हम एक चम्मच, एक छोटे चम्मच के करीब हमने इसमें तेल ऐड किया है। अब इसमें हम वो हमारा इसमें अब हम अदरक, लहसुन, कटी हुई लहसुन और कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। ये देखिए, अच्छे से इसको भी हम मिक्स करके लेंगे, थोड़ा सा अच्छा पका के लेंगे। इसकी अच्छे से खुशबू आने तक इसका अच्छा, इसको अच्छी तरह के से हम भून के लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हमारा लहसुन रेड हो रहा है, अदरक लहसुन दोनों भी अच्छी तरह से पक रहे हैं। तो अब हम इसमें हमारा ये पीसे हुआ चटनी का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको मिक्स करके हम अच्छे से इसको भी थोड़ी देर पका के लेंगे। देखिए, पूरा अच्छा, प्लेट को साफ करके हम डाल के पूरा अच्छा से इसको हम पका के लेंगे। हाँ, देखिए, हमारी चटनी भी अच्छे से पक रही है। हाँ, अब इसके अंदर हम 1 चम्मच भर के सोया सॉस ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारे सोया सॉस को भी हम थोड़ा सा अच्छा पका के लेंगे, थोड़ा सा। और उसके बाद हम आधा नींबू से भी थोड़ा सा कम नींबू हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि चटनी चटपटी अच्छी लगती है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें
तीन चम्मच के करीब शक्कर ऐड करेंगे। ये देखिए तीन चम्मच के करीब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। हम शक्कर को भी थोड़ा सा अच्छा पकाएंगे ताकि हमारी शक्कर अच्छे से पिघल जाए। शक्कर हमारी अच्छे से पक रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा एक चम्मच से भी कम नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा ही नमक हम ऐड करेंगे, छोटे चम्मच से भी हमारा कम है, एक चम्मच भी नहीं है, थोड़ा सा ही है। हम उतना नमक इसमें ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छे से पकने देंगे थोड़ी देर। देखिए हमारी चटनी का कलर कितना अच्छा आया है और कितनी प्यारी रेड कलर की हो गई है। आप भी इसी तरीके से बनाइए, ये चटनी खाने के लिए बहुत टेस्टी होती है। आप इसको समोसों के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ, किसी के भी साथ आप ये चटनी बना के खा सकते हैं। देखिए चटनी को हम थोड़ा सा इसको पका के लेंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। ये हमारा हो गया, अभी हम गैस बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है चिकन का खीमा। ये हमारा तो 1.25 किलो से तो थोड़ा सा ज़्यादा खीमा हमारा चिकन का है। अब इसमें हम 1 कप भर के वटाने और 1 कप भर के गोभी, बंद गोभी लेंगे और थोड़ी सी कोतिंबीर और थोड़ी सी हरी मिर्ची इसमें हम ऐड करेंगे, ताकि बच्चे कोई बच्चा अगर सादा खीमा नहीं खाए तो ये वेजिटेबल की वजह से बच्चे मोमोज खाए। वटाने और डालने से एक अलग ही टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। इसलिए आप भी आप चिकन के साथ ये सारी चीज़ें ऐड करके बनाइए, बहुत अच्छा बनता। और ये एक प्याज को हमने बारीक चॉप करके लिया है, उसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हमारे मसाले हैं, हमने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, छोटे चम्मच से 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच से कम मिर्ची पाउडर लिया है। और ये हमारे घर के पीसे हुए मसाले हैं, शाह जीरा, ज़ीरा, लाल मिर्च और दालचीनी, लौंग, ये सारे मिक्स करे हुए मसाला है। थोड़ा सा हम इसको भी लेंगे, हम गरम मसाले की बजाय हम ये मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर और इसे हम थोड़ा सा अच्छा मिक्स करके लेंगे। ये देखिए हमारी फिलिंग पूरी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स करेंगे, नमक वगैरह हमारा अच्छे से हम इसको मिक्स करके, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और थोड़ा सा हम इसमें नींबू ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नींबू ऐड करके भी हम थोड़ा सा इसको हाथ से करके लेंगे। ये देखिए ये पूरा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, फिलिंग हमारी भरने के लिए रेडी हो चुकी है। अब इसको हम साइड में रख के मोमोज बनाएंगे। ये देखिए हमारा आटा गूंदने वाला आटा हम लेंगे, इसको अब हम अच्छे से ये करके थोड़ा आटा लेके हम थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से हम इसके पेड़े बना के लेंगे। छोटी, बिल्कुल छोटी लोई बनाना है हमें, ज़्यादा बड़ी नहीं, ताकि पूरी भाजी की पूरी जैसा हम बनाते हैं ना उससे भी छोटी हमें इसकी पूरी बनाना है, पतली बनाना है एकदम से। तो हम इसके हम पेड़े छोटे छोटे ही हम देखिए ये हम एक छोटा सा छोटे छोटे से हम इसके पेड़े बनाएंगे और हम इसको पतला बेल के लेंगे। एकदम पूरी की तरह हमें पतला बेलना है, इसको मोटी नहीं बेलने का है, पतली पतली बेल के हम एक हम इसको एक गोल शेप के लिए एक डब्बे का ढक्कन, कौन से भी एक डब्बे के ढक्कन से हम इसको एक गोल शेप देके देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम ये डब्बे को ढक्कन को इस तरीके से करके हम इसको ऐसे फिरा के एक गोल शेप देके लेंगे, या इस तरीके का ऐसा। ये हमारा गोल पूरी बन के रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐसे ही हम 2-4 पूरी बेलेंगे। ये देखिए ये भी कितनी अच्छी गोल हमारी पूरी बन के हो गई है। हाँ, अब हम इसके अंदर छोटे चम्मच से 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसके अंदर हम भर के अब हम इसके मोमोज रेडी करेंगे। मोमोज बनाना बिल्कुल ही ईजी है। हम इस तरीके से ऐसा पकड़ के एक तरफ से हम ऐसे चुन चुन करके, हाँ इस तरीके से हम पोटली के जैसा हम बना सकते हैं। और एक भी हम और एक दूसरा तरीके से हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से यह ऐसे पकड़ के इधर से भी फोल्ड करेंगे और इधर से भी थोड़ा सा फोल्ड करके, हाँ इधर से अब इधर से भी थोड़ा सा फोल्ड करके हम इसको इस तरीके से अब, हाँ ये देखिए इस तरीके से भी हम
बना के लेंगे। आप इसके कैसे भी डिज़ाइन कैसे भी इससे डिज़ाइन से आप इसको बना सकते हैं। बस इतना है कि आपकी पूरी पतली होनी चाहिए, आप जिसमें फिलिंग भरा है वो बिल्कुल ही पतला दे लिए और आप इसको अच्छे से फोल्ड करें। ये देखिए हम दो तीन नमूने के हम दो तीन इसके बना के लेंगे। ये देखिए और एक हम लंबे शेप में बनाएंगे इस तरीके से, इधर से भी थोड़ा सा हम इसको फोल्ड करके लेंगे। ये देखिए ऐसा, ये खाने के लिए अच्छे टेस्टी रहते हैं और देखने को भी बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। आप लोग भी एक बार इसको ट्राई कीजिए। ये देखिए हमारे डिज़ाइन के मोमोज रेडी हो चुके हैं। हम इसी तरीके से हम अब सारे अलग अलग डिज़ाइन के मोमोज बना के लेंगे और एक मोमोज हम रेडी करेंगे यहाँ पे। देखिए इसको भी हम इसके अंदर ऐसा भर के फिर इसको भी इसी तरीके से हम इधर से पकड़ के फिर इधर से पकड़ के, हाँ इस तरीके से ये शेप से हम पूरा ऐसा बना के लेंगे। आप लोग भी पूरे इस तरीके से बनाइए। देखिए हमारे मोमोज इस तरीके से हम पूरे मोमोज बना के रेडी करके, हाँ ये देखिए हम इस तरीके से हमने सारे मोमोज बना के रेडी कर लिए हैं। अब ये देखिए हमारे मोमोज रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको हमने छोटे बड़े हर नमूने के हमने मोमोज रेडी कर लिए हमने। हाँ ये देखिए अब इधर हमने गैस पे हमने एक भगोना रखा है और पानी गरम होने के लिए रखा है और अब एक स्टील की हमने छन्नी लिया है, इसको हमने ऑयल तेल से हम इसको ग्रीस करके लिए है, तेल लगा के हमने अब इसके बाद हम इसके ऊपर ये सारे मोमोज रखेंगे। हाँ अब हम सारे मोमोज इसके ऊपर हम रख के 10 इसको अच्छे से रख के हम 10 से 12 मिनट तक हम इसको एक ढक्कन से ढक के रखेंगे। हाँ इस तरीके से, और हमारा पानी पहले से ही गर्म है इसलिए हम गैस की फ्लेम को ना बढ़ा के रखेंगे ना कम करके मीडियम फ्लेम पे हम इसको रखेंगे। ये देखिए 10-12 मिनट तक हमारे मोमोज बिल्कुल ही रेडी हो जाते हैं। ये देखिए अब हमारे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, ये हमारे मोमोज पूरे रेडी हो चुके हैं, पूरे ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। देखिए अंदर से हमारी फिलिंग भी कितनी अच्छी तरह से नज़र आ रही है। इसी तरीके से हमारे मोमोज रेडी होना है। हाँ ये देखिए हमारे सारे मोमोज पूरे अच्छी तरीके से रेडी हो चुके हैं। आप लोग भी इस तरीके से बनाइए, बहुत टेस्टी अच्छे लगते हैं। ये चटनी के साथ खाने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। आपको हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।